जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट गेनर। आज की इस वीडियो में मैं पूरे इंडिया के 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ कि लगभग 34 सालों के बाद शिक्षा नीतियों में चेंज आया है। ये खुशखबरी की बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आने वाले समय में 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे किसी भी बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट का कोई अन्य बोर्ड हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 31 जुलाई 2020 को एक नया नियम पास किया गया है जिसमें 2021-22 से कोई भी 10th के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट किए जाएंगे और 2021-22 से 9th और 12th के स्टूडेंट्स की सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी और स्कूलों में अब से 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। तो ये थी पहली बड़ी खबर। तो दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीतियों के हिसाब से 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश हो या कोई और अन्य सब्जेक्ट, उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। तो तीसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अब से NCERT करेगा बुक तैयार और 6 से 3 साल के बच्चे यानी 1 से 3 कक्षा के बच्चों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया है। तो चौथी बड़ी खबर की बात करें तो अब से कॉलेज की डिग्रियां होंगी 3 और 4 साल की, यानी 3 साल की डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं चाहिए और जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन चाहिए उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। और अब से ग्रेजुएशन की पहले साल मिलेगा सर्टिफिकेट, दूसरे साल मिलेगी डिग्री और तीसरे साल मिलेगा डिप्लोमा। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि 2022 तक इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उन्हें CBSE में कन्वर्ट कर दिया जाए, मगर इस मुद्दे पे अभी विचार विमर्श चल ही रहा है। और छठी और आखिरी खबर ये है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे एजुकेशनल पैटर्न में इतना सारा चेंज क्यों आ रहा है? इसका कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे जिससे हमारी बाकी भाषाएँ धूमिल सी होती जा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।